व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सदियों के बाद वीडियो आ रही है चैनल पे। तो आज के वीडियो का मकसद है या फिर टॉपिक है, अपने एक बहुत ही सक्सेसफुल और फेमस इंडियन यूट्यूबर हैं जिनका नाम है गौरव तनेजा। यूट्यूब पे उनका नाम है फ्लाइंग बीस्ट, जो कि एक पायलट है। उनकी वाइफ रितु राठी, राठी उनका मिडन नेम है, रितु तनेजा। ओके, सो ये कपल है, बहुत फेमस है, बहुत सक्सेसफुल है सोशल मीडिया पे। तो फिलहाल हर जगह पे यही चर्चा चल रही है। मतलब आप रील्स देखो, आप शॉर्ट वीडियोस देखो, आप फुल वीडियोस देखो, हर जगह पे ट्विटर देखो, इंस्टा देखो, हर जगह पे यही चल रहा है। ट्विटर मतलब एक्स देखो, कि क्या फ्लाइंग बीस्ट का डिवोर्स होगा, क्या गौरव तनेजा का डिवोर्स होने वाला है, क्या उसने एक्चुअली चीटिंग की है अपने वाइफ के साथ, ब्ला ब्ला ब्ला। यू नो, मुझे क्या लगता है, ये बस खाली मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो है ना, वो 101% बकवास है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी है। आई थिंक ये सब कुछ एक पब्लिसिटी स्टंट है, जो कि एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। मतलब जो भी सेलिब्रिटीज रहते हैं सोशल मीडिया पे या फिर एक्चुअल लाइफ में, सिनेमाज में, फिल्म्स में, बॉलीवुड में, यूट्यूब पे, हर जो भी कोई सोशल, मतलब सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशली बहुत फेमस हैं, तो ये सब सेलिब्रिटी ये चीज़ एक ना एक दफ़ा ट्राई करते ही है। मतलब वो बोलते हैं ना, नो पब्लिसिटी इज़ बैड पब्लिसिटी। मतलब अगर बुरी भी पब्लिसिटी होती तो भी अपने फायदे की होती है। तो आई थिंक ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि मतलब एक साल, तकरीबन एक साल पहले की बात है, दोनों भी हस्बैंड वाइफ और अपने किड के साथ, किड्स के साथ वो महाराज जी के यहाँ पे गए थे, धाम गए थे। मतलब अपने प्रेमानंद जी महाराज जो है उनके यहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक ही सवाल पूछा। अगर वो चाहते हैं तो वो हजारों सवाल पूछ सकते थे, उनके पास बहुत ऑप्शंस थे सवाल पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने यही पूछा कि क्या हस्बैंड और वाइफ, इनका जो रिलेशन होता है, जो नाता रहता है, रिश्ता रहता है, क्या वो एक ही जन्म के लिए सीमित रहता है या फिर वो जन्म जन्म का रिश्ता रहता है। तो अगर वो आप महाराज जी से मिलते हैं, आपको एक मौका मिलता है महाराज जी से रूबरू होने का, उनसे कुछ सवाल पूछने का, अपने डाउट्स क्लियर करने का, आप कोई कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप यही पूछते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दे आर सो मच इन लव विद इच अदर, वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कि मुझे ये सब बकवास लग रही है। मतलब ऐसी नहीं है कि उनको पब्लिसिटी की ज़रूरत है, दे आर वेरी सक्सेसफुल और वो है बहुत वेरी, दे आर वेरी फेमस एज वेल, सो दे डोंट रियली नीड टू डू दिस, बट यू नो पब्लिसिटी इज़ ऑलवेज गुड इन एनी वे। सो आई थिंक दे आर पब्लिसिटी स्टंट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू काइंड ऑफ लाइक मेक समथिंग इन द एयर, यू नो व्हाट आई मीन। बिकॉज अगर आप उनके वाइफ के मतलब रितु जी के अगर इंस्टा पे आईडी चेक करते हैं, उनने अपनी आईडी में उनका जो नाम रखा है उसमें अभी भी तनेजा ज्वाइन ही रखा है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं क्योंकि उनका डिवोर्स हुआ नहीं है अब तक, तो शायद उसके वजह से उन्होंने नाम नहीं चेंज किया ऐसा। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपको इतना हर्ट किया है, अगर कोई आपसे चीटिंग करता है, और वो भी बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में हो और आपका पार्टनर आपसे चीट करता है, तो आप इतने ज़्यादा हर्ट होते हो कि आप उस चीटिंग करने वाले का कुछ भी अपने पास रखने की ख्वाहिश नहीं रखते। लेकिन उन्होंने फिर भी अपना सरनेम वही रखा है, मतलब खुद का मेडन नेम भी रखा है, रितु राठी तनेजा ऐसा रखा है उन्होंने अपने इंस्टा के आईडी में, और बायो में भी उन्होंने मेंशन किया है अपने चैनल का, मतलब फ्लाइंग बीस्ट का वहाँ पे सब मेंशन किया है कि ये चैनल लेकर के। तो भाई आप, और पोस्ट में भी अपने हस्बैंड के पोस्ट है, तो भाई आप उनको प्रमोट क्यों कर रहे हो अगर उन्होंने आपको इतना फंसाया है, धोखा दिया है अपने हस्बैंड ने, जबकि आपके पास दो अच्छी अच्छी क्यूट सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हैं, दो बेटियां हैं आपको भगवान ने दी हुई, और आप फिर भी चीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे बंदे का आप प्रमोशन क्यों कर रहे हो? आपको इतनी हेट होगी उस बंदे से कि आप कुछ नहीं करोगे, भाड़ में जाए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रही है, उन्होंने वो अपने पति का सब प्रमोशन भी कर रही है। मतलब आई थिंक ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है। आई थिंक रितु जी अपने पति से, गौरव से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और गौरव भी अपनी वाइफ से, रितु जी से बहुत प्यार करते हैं। दोनों भी फिट एंड फाइन है, सक्सेसफुल है, रिच है, फेमस है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, उनको एक अच्छा सा परिवार है, दो खूबसूरत सी नन्ही सी क्यूट सी बच्चियाँ हैं उनको। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ मतलब
कुछ फैक्ट है? आई डोंट थिंक सो, ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा मेरा मानना है। ओके सो इफ यू डिसअग्री, आपको आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय, क्या ये एक्चुअली सही है, क्या वो एक्चुअली गौरव ने चीटिंग किया है, क्या रितु जी और गौरव जी के बीच में एक्चुअली तलाक होने वाला है, और बच्चियों का क्या होगा क्या नहीं होगा, सब मतलब क्या लगता है आपको ओवरऑल इस सिचुएशन में? मेरा मैं कहना यही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, वो कुछ डिवोर्स विवोर्स नहीं लेने वाले, ये बस खाली टेंशन क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक के दिमाग में ताकि कुछ पब्लिसिटी और बढ़ जाए। फिर से कह रहा हूँ, उनको पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यू नो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, इस मामले में मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि काश मैं सही साबित हूँ। मतलब मेरा कहना ये है कि ये एक बकवास है, कोई डिवोर्स नहीं होने वाला है, किसी ने चीटिंग नहीं की है, ये बस खाली पब्लिसिटी स्टंट है, ये मेरा स्टेटमेंट है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं सही साबित हूँ, मुझे गलत साबित होने की ख्वाहिश नहीं है। क्योंकि क्यों यार, अच्छा खासा फैमिली है उनकी, अच्छा खासा परिवार है, खामा का फालतू में परिवार, एक परिवार बिछड़ जाता है, बिखर जाता है, दो अच्छी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्चियाँ हैं उनको, बहुत प्यारी है, सच में बहुत क्यूट है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। लेट मी नो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है इस सब सिचुएशन के बारे में, मुझे बताइए। और तब तक के लिए बस खाली एंजॉय करो लाइफ यार, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।